हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब मैंने ब्रा पहननी शुरू करी, मेरे भाई को पता भी नहीं चला। एक बड़े ही करीबी दोस्त ने एक दिन कहा, एक बात पूछूं, तुम्हारे भाई से तुम्हारी बनती नहीं है क्या? मैं सक पका गई। उसने कहा, असल में तुम्हें मम्मी पापा से फ़ोन पर बात करते हुए खूब देखा है, भाई से बात करते हुए कभी नहीं देखा, एक मिनट के लिए भी नहीं। भाई से मेरी खूब बनती है, मिलते हैं तो घंटे बात करते हैं, शादी हो गई है उसकी। लेकिन दोस्त का ये सवाल जायज़ था। मैंने सोचा, पिछली बार भाई से उसकी शादी की सालगिरह के दिन बात हुई थी, वो ऑफिस में था, मैं भी ऑफिस में थी, शायद 30 सेकंड की कॉल थी। तब से 2 महीने हो गए, उसके पहले मेरे बर्थडे पर बात हुई थी, लेकिन उससे पहले नए साल पर। भाभी के हाथ में फ़ोन था तो आधे घंटे तक बात चलती रही, भाई से 1 मिनट के अंदर सिमट जाती है। पिछले साल जब मैं कॉलेज में थी, महीने में एक बार बात हुआ करती थी पॉकेट मनी भेजने के लिए, फिर उसके लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना शुरू कर दिए। हमारे दिलों में ठंडक तो नहीं, फिर भी ऐसा होता है। माँ बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी, भाई करीब आने से घबराता था, वो हमारी जनरेशन का पहला बच्चा था। कई दिन लगे उसे समझाने में कि माँ के सीने से चिपके इस मांस के टुकड़े को बहन कहते हैं। भाई लगभग 4 साल बड़ा था। कई दिन लगे उसे मेरे पास आने में। कोई ठोस याद नहीं है मन में कि ऐसे हमने मिलकर कोई खुरफात की थी, ऐसे साथ में पिट गए थे, ऐसा कोई राज शेयर किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम साथ स्कूल नहीं गए, उसे कोएड स्कूल में पढ़ाया गया, मुझे गर्ल्स स्कूल में। शुक्रिया उस वक्त बाबा जी के होने का कि हम दोनों पढ़ाई में भी औसत और अच्छे के बीच में थे। दोनों की ज़रूरतें अलग रही, इसलिए कभी सिबलिंग राइवलरी के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। उसने कभी पॉकेट मनी बचाकर मुझे कीरिंग का तोहफा नहीं दिया। मैंने भी कभी उसे सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने जैसा कोई राज नहीं बताया। हम यूं ही बड़े हो गए। पापा मुझे लाड करते, भाई दादी को, बाबा दोनों को पढ़ाते, मम्मी सब बैलेंस करके चलती। लिंग भेद कभी महसूस किया तो इतना नहीं। दादी भाई के दूध में थोड़ी एक्स्ट्रा शक्कर घोल देती जिससे वो खींच उठता, या बड़े वाले अंगूर छाट कर उसकी कटोरी में रख देती। ये भी शायद लिंग भेद नहीं था, बस घर का बड़ा बच्चा होने का लग्जरी था। जिस घर में हम बड़े हुए, वहाँ अलग कमरे और पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब लगता है कि मम्मी और पापा को भी अलग कमरा सिर्फ इसलिए दिया गया होगा कि मैं और भाई पैदा हो सके। मेन गेट को छोड़कर कभी घर का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता, कम से कम तब तक जब तक हम जागते थे। लेकिन यह कमाल की बात है कि प्राइवेट स्पेस ना होते हुए भी मुझे और भाई को एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो लड़का था और मैं लड़की। मैंने बचपन से अपने अंडरवियर खुद धोए थे, दादी ने भाई के अंडरवियर धोने बंद कर दिए, मुझे मालूम नहीं पड़ा। जैसे मैंने सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, उसे मालूम नहीं पड़ा। मम्मी की अलमारी के एक कोने में सैनिटरी नैपकिन रख जाते थे जहाँ किसी पुरुष का हाथ ना जा सके। जाहिर है भाई ने कभी नहीं देखा होगा। फिर मैंने ब्रा पहननी शुरू कर दी, शायद भाई को वो भी नहीं पता, या होगा भी तो उसने अनदेखा कर दिया होगा। मम्मी हमेशा अपनी ब्रा पेटीकोट जैसी चीज़ें दूसरे कपड़ों के नीचे सुखाती थी। मैंने बिना कहे वही आदत अपना ली, टी शर्ट और तौलिए किसी भी कपड़े के नीचे सुखाती, क्योंकि भाई बड़ा हो रहा था। जिस लड़की को वो बहन कहता आ रहा था, उसके अंदर भी ऐसे जीव है जिसके स्तन हो सकते हैं, जिसको पीरियड हो सकते हैं, जो सेक्स कर सकता है, जो बच्चा पैदा कर सकता है। शायद ये बात अभी उसके लिए सही नहीं थी, ऐसा घर वालों का मानना था। एक बार पीरियड शुरू हुआ और घर में पैड खत्म थे। मम्मी ने भाई को अखबार के छोटे से पुर्जे पर लिख कर दिया विस्पर, और समझाया कि ये दुकान वाले को दे देना, दुकान वाला खुद देख के दे देगा। ये भाई की मेरी पर्सनल लाइफ में पहली और आखिरी एंट्री थी। जब पहली बार पीरियड की वजह से पेट में भयानक दर्द हुआ, भाई की पहली टिप्पणी थी, कल उसको चाउमीन नहीं खानी चाहिए था, देखो नुकसान कर दिया। फिर अक्सर पेट दर्द होता, भाई कुछ नहीं कहता। उसे शायद अंदाज़ा हो गया था कि मम्मी और बहन के बीच की पर्सनल बात है, इस दुनिया में उसकी एंट्री नहीं है। फिर जब मैं बाबा या पापा से चिपक कर बैठती, दादी की तरफ से कमेंट आ जाता, अब बड़ी हो गई है, चिपका ना कर। ये सब सुनकर भाई को शायद पता चल गया कि बहन बड़ी हो गई है। जो इक्के दुक्के झगड़े हो जाया करते थे हमारे बीच, वो अनकही चुप्पी में बदल गए कि हम अलग हैं, हमारे शरीर अलग हैं। ना वो अब डांटता, ना नाक छींटता।
उसे शायद मालूम नहीं था कि जिस बहन को पीरियड्स होने लगते हैं उसके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। फिर भाई शहर छोड़कर चला गया, बाबा को उम्र ने लीर कर दिया। घर में औरतें ज़्यादा हो गई, अब दर्द के समय मुंह ढाँप कर रोने की बजाय खुलकर कहराया जा सकता था, लेकिन मेरे और भाई के बीच चुप्पी रह गई। कॉलेज में आई तो मेल फ्रेंड्स ने बताया इरेक्शन के फेस में शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं, नाइटफॉल के समय ऐसा लगता है। भाई से दूर होकर मैंने भाई को समझना शुरू किया और ये माना कि मुझे उससे दूर होके भी भाई मुझे समझ रहा होगा, फीमेल दोस्तों की ज़ुबान से या भाभी की ज़ुबान से। लेकिन मैंने फ़ोन नहीं किया उसे। जब लड़कों ने फ्लर्ट किया तो सोचा उसके साथ किसी लड़की ने फ्लर्ट किया होगा। जब उसे प्रेम हुआ होगा तो उसने क्या सोचा होगा, शायद वो भी ऐसा सोचते होंगे, पर उसने भी फ़ोन नहीं किया। इसलिए हम कम बात करते हैं क्योंकि हमने हाल ही में एक दूसरे को समझना शुरू किया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।